दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2019 शनिवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। इन फॉर्म्स को जरूर भर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन 10 बड़ी भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या इनके लिए आपको सैलरी मिलने वाली है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हो। दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है। कुछ भर्तियों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं और कुछ भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर की जॉब देख लेते हैं, जो निकली है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 78 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 24,440 से 71,510 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो बैचलर डिग्री 7 में मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस प्लस स्टैटिस्टिक्स में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1/7/2018 से की जाएगी। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ आवेदन शुल्क देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ₹250 है। एग्जामिनेशन फीस जनरल या ओबीसी के लिए ओनली ₹80 है। फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हो। स्क्रीनिंग टेस्ट और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.ap.gov.in। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी 2019 से स्टार्ट होंगे। आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 6 मार्च 2019 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। फीस जमा करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में। जी हाँ दोस्तों, एम्स भुवनेश्वर में भर्ती निकली है। पोस्ट है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए 101 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 37,400 से ₹67,000 सैलरी पर मंथ के लिए दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए 15,600 से 39,100 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो MD, MS, DM, MCH, DNB इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के लिए मैक्सिमम आयु 58 वर्ष है। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष है। सीनियर रेजिडेंट के लिए 37 वर्ष है और यहाँ पर ट्यूटर के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जॉब लोकेशन भुवनेश्वर ओडिशा में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। बात अगर आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीस आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। दोस्तों अकाउंट नंबर आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वहीं से इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो। ओनली इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है aimsbhubaneswar.nic.in। इसी पोर्टल से आप सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में। यहाँ पर क्यूरेटर के लिए यहाँ पर 4 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 36,700 से 1,16,200 लेवल 17 के अंतर्गत पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो मास्टर डिग्री और यहाँ पर और करके देख सकते हो ऑनर्स डिग्री होना अनिवार्य है। अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पर देख सकते हो जूलॉजी या फिर बोटेनी या फिर जियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर इंडियन आर्कोलॉजी और संस्कृत और हिस्ट्री, अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट दे गए, किसी एक में यहाँ से डिग्री होना अनिवार्य है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 वर्ष है। मैक्सिमम आयु सीमा की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आयु की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन तमिलनाडु में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आप आवेदन शुल्क देख सकते हो, ₹150 ऑल कैंडिडेट्स के लिए है। फीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड,
या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हो, और करके भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी आप जमा करा सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक से सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है tnpsc.gov.in और tnpscexams.net पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 24 फरवरी 2019 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट भी इसकी घोषित हो गई है, 19 मई 2019 को इसका एग्जाम एल्ड होगा। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में। एसएससी टेक्निकल ऑफिसर मैन और वोमैन दोनों के लिए यहाँ पर 191 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 56,100 से 177,500 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो इंजीनियरिंग डिग्री धारक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष है और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। आयु की गणना 1/10/2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया बेस से कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। प्लस पॉइंट, आपको इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इसी पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 23 जनवरी 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 फरवरी 2019 इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में। जूनियर एनालिस्ट के लिए यहाँ पर 5 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 28,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, BSc इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु 30 वर्ष है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। प्लस पॉइंट, आपको इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ओनली इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ndtlindia.com। साथ ही साथ यहाँ पर आप इंटरव्यू की डेट देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करना होगा 2 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ पर 12 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो 10,300 से 34,800 सातवें ग्रेड पे 3800 रुपए है। BSc और MBA इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। आयु की गणना 18 जनवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए आवेदन शुल्क है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 500 रुपए है। फीस आप बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ओनली रिटर्न एग्जाम के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है HPTDC.in। इसी पोर्टल से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। 18 फरवरी 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC में भर्ती निकली है स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के लिए। 32 पद खाली है। इनके लिए सैलरी 40,000 रुपये दी जाएगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा धारक है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी आयु सीमा मैक्सिमम 37 और 45 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन गुड़गांव हरियाणा में है। इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एग्जाम ओनली इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ESIC.NIC.in। दोस्तों इंटरव्यू अटेंड करना होगा आपको 6 फरवरी 2019 को। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है, सुबह 11 बजे आपको रिपोर्टिंग वहाँ पर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रायचूर रिवेन्यू डिपार्टमेंट में। विलेज अकाउंटेंट के लिए 51 पद खाली है। इन पदों के लिए सैलरी 21,400 से 42,000 पर मंथ के लिए दी जाएगी। जो 12वीं क्लास पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रायचूर कर्नाटका में है। जनरल या ओबीसी को 300 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एससी एसटी को 150 रुपये। रिटर्न एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी एग्जाम स्कीम आपको नोटिफिकेशन में दी गई है, आप वहां से सिंपली इस भर्ती के लिए रीड कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है raichur-va.gov.in। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 फरवरी 2019 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गोवा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में। पियोन लो डिवीजन क्लर्क अस्टेनो स्किल्ड वर्कर क्राफ्ट्समैन टेक्निकल असिस्टेंट के 45 पद खाली है। बात अगर सैलरी की जाए तो लेवल 1, 2, 4, 5 के अंतर्गत दी जाएगी। 10वीं 12वीं और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 45 वर्ष है। जॉब लोकेशन गोवा में है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न
प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है goa.gov.in। लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 फरवरी 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गोवा ट्रिबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC फील्ड असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए 28 पद खाली है। सैलरी लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत यहां पर दी जाएगी। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 45 वर्ष है। जॉब लोकेशन गोवा है। एप्लीकेशन फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट और मेरिट लिस्ट के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है tribalwelfare.goa.gov.in। इस पोर्टल से आपको इसका फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा, नहीं तो लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। 14 फरवरी 2019 इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इन भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।